नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं भी थोड़ी सी नवरात्रि स्पेशल रेडी हो गई हूँ। क्या क्या किया पूरे दिन, आपको सब कुछ व्लॉग पे देखने को मिलने वाला है। फिलहाल आज मैंने ना एक बहुत खूबसूरत सी मैट फिनिशिंग वाली नेकलेस बनाई थी, और इसकी डोरियाँ एंड ऑल सारी चीज़ें ना मैं इस बार बहुत मार्केट में ढूंढ ढूंढ के बड़ी मुश्किल से लेके आई थी। और हाँ, हल्दी स्पेशल दुल्हनिया की भी ज्वेलरी जो है ना वो हमारे पास तैयार है। और आप देख रहे हो कॉर्डिशल कितनी ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है। बिल्कुल मैंने व्हाइट कलर का बिल्कुल जो बिल्कुल साफ़ सुथरा कॉर्डिशल होता है ना वो वाला यूज़ किया है, ताकि हमारी जो दुल्हनियाँ होने वाली हैं वो बिल्कुल अलग से ही शाइन करें। और मतलब हाई क्वालिटी का मैंने कॉर्डिशल यूज़ किया है, इसके साथ साथ फ्लावर्स के नीचे नेट लगे हुए हैं, इससे और ज़्यादा खूबसूरत लुक आ रहा है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है इसका ब्रेसलेट, क्योंकि ब्रेसलेट मैंने लास्टिक वाले बनाए हैं और इतनी सारी पीली मोतियाँ लगा दी है। सिर्फ चेन में ना इतना पीला पीला लुक नहीं आ पाता जितना ब्रेसलेट की वजह से, मोतियों की वजह से आ रहा है। और किसी भी हेल्थ के मतलब किसी भी हेल्थ की दुल्हनियाँ होने वाली हो ना, उनके ये ब्रेसलेट बहुत आसानी से आ जाना है। सारे के सारे में बहुत ही प्रॉपरली मैंने माथा पट्टी जो मांगटी का होता है ना वो, और सब में बहुत प्रॉपरली पिंस वगैरह लगा दिए हैं, ताकि क्लिप्स ढूंढने का कोई झंझट ही ना आ रहा है। बिल्कुल है ना कम्फर्टेबल। तो चलिए, मेरे टाइम पर तो मुझे इतना आता ही नहीं था, मैं तो नहीं पहन पाई थी कोई ऐसी ज्वेलरी, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की। मेरे हाथ में माइक भी रहता है, साथ में बच्चों का खाना पीना भी बन रहा होता है, आपने देखा होगा लटका हुआ था माइक, क्योंकि मैं ना वीडियोज़ के काम भी करती रहती हूँ, साथ में बीच बीच में टाइम निकाल कर ये देखो लड्डू रानी को डांस कर रही हैं, क्योंकि थोड़ी दूर ना गाना बज रहा था। और ब्रश यहीं रखी हुई है, बोतल अनमोल का यही रखी हुई है। आज अनमोल जा रहा है रेड डे मनाने के लिए। चलिए आपको रेड डे का भी थोड़ा सा झलक दिखलाई देते हैं। बड़े अच्छे से स्कूल में सेलिब्रेट हुआ रेड डे, और हमारा अनमोल कल होमवर्क करके नहीं गया था। और बताया क्या हुआ कि मैंने रात में कोशिश किया कि मैं करवा दूँ, सिर्फ लाइन लाइन खींचने थे, तो फिर वो खींच ही नहीं रहा था। फिर मैंने ना एक दो लाइन खींचे, फिर मुझे खुद का भी तो होमवर्क था तो मैं उसमें लग गई, तो मैंने उसका होमवर्क छोड़ दिया। और अब मैं क्यों करूँ उसका होमवर्क से, है ना। तो फिर ऐसे करके फिर भाई स्कूल गया, तो मैम ने बताया कि होमवर्क नहीं किया अनमोल ने। तो फिर अनमोल आया है घर पर सबसे पहले रेड डे मना करके, तो बोला मम्मी होमवर्क करवा देना। हमने कहा अच्छा, कल रात में कितना, आपने व्लॉग में देखा होगा कल की कितना नाक में दम किया उसने होमवर्क नहीं से नहीं किया। और ये देखिए लड्डू रानी कह रही कि वो भी जाएगी रेड डे मनाने के लिए। तो अनमोल के लिए था ना कि पूरा ऊपर से नीचे तक रेड रेड पहनना चाहिए। मेरे पास जूते तो रेड थे नहीं, बैग भी रेड था नहीं, बट हाँ प्रॉपरली ड्रेस जरूर पहना लिया मैंने, और ये बड़ी मुश्किल से रेड कलर का मिला। और बैग वैग सारी चीज़ें मेरे रूम में तो था ही नहीं अनमोल का कोई रेड कपड़ा, पता है। मैं तो सोची कि है ही नहीं, मैं ढूंढ ढूंढ के एकदम पगला, बिल्कुल कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर सासू माँ वाले रूम में मतलब पापा वाले रूम में था, तो वहाँ से मिला, फिर जल्दी जल्दी पहना है, काम निपटा। और इसके बाद फिर मैं जल्दी से दौड़ते भागते रेडी हुई, क्योंकि हस्बैंड पहुँचा के आएंगे तो मेरी वीडियो बनाएंगे, इसलिए मैं रेडी हो गई थी। और फिर वो आए, और आते ही उन्होंने कैमरा उठाया और बोले कि दो जल्दी जल्दी वीडियो बना देता हूँ। शेड्यूल कौन सा सेट करना है आजकल, ना क्लास ऐसे रहते हैं ना पूरे दिन, सबका शेड्यूल अलग अलग रहता है। तो मैं क्योंकि एडवांस क्लास में भी जुड़ चुके हैं बच्चे, और फिर उसके बाद मेरे इस वाले क्लास में भी है, तो चलिए अब एडवांस क्लास वालों को मैंने सामान इतना सारा भेजा ना, कि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये भी है कि वो बिल्कुल मेरी तरह बहुत सारी ज्वेलरीज बना रहे हैं, और उनके पास प्रैक्टिस का पूरा मौका मिल रहा है। और कुछ तो इतने वो रहना मतलब कि इतने बढ़िया से बना रहे हैं कि वो मेरे साथ अब काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सब लोग अपना अपना बिजनेस एंड काम सारी चीज़ें अच्छे से चलाएं, लेकिन मेरा इसकी साथ साथ वीडियो भी बनते जाए, क्योंकि वीडियोज़ की कमी हो जाती है थोड़ी सी। कमी क्या रहती है, मतलब वीडियोज़ तो मैं सारे बनाती हूँ, मेरे व्लॉग जो रहते हैं ना वो थोड़ी सी कम रह जाती है हमेशा। और ये देखिए, मैं सोची कि आज हल्दी स्पेशल वाले पहन के बना लेती हूँ, और मैं ये आज डिस्पैच कर देना चाहती थी, बट क्या हुआ ना कि सेम सेट का एक और ऑर्डर आ गया है कम्युनिटी पर फ़ोटो देखते हुए। और हाँ क्या हुआ ना कि ये वाला जो मैंने बनाया है ना, मैं जब इसको ट्राई की ना तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और सूख जाना चाहिए अच्छे से, वैसे तो सूख चुका है प्रॉपरली। बट क्या होता है ना कि हम लोग कस्टमाइजेशन करते हैं ना हैंडमेड, तो हमारी कोशिश ये रहती है ना कि चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में रेडी होकर के जाए, ताकि रस्ते में वो आपस में चिपक ना जाए और इन सब चीज़ों के लिए। तो जो चिपकाने वाली ज्वेलरीज होती है ना, अगर अगले का इमरजेंसी नहीं है तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा एक दिन लेट भेज देती हूँ,
सकती हूँ, तो मैं आज भेजने के चक्कर में थी, लेकिन मुझे ये लगा कि थोड़ा अच्छे सूखना चाहिए, कम से कम 24 घंटा सूखने देना चाहिए, क्योंकि रात में बनाई हूँ, मतलब रात भर बैठ के बनाई हूँ, तो सुबह कंप्लीट हुआ था ये करीब 4 बजे। इसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरीज बनाई थी अलग अलग, तो ये वाला सूखेगा, तो मैं सोची ना कि थोड़ा 24 घंटा मतलब कि कल रात बनाई, मतलब रात में बनाई तो फिर नेक्स्ट डे रात तक रह जाए तो सही है, तो मैं आज दिन में नहीं देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सूखे। तो मैंने उनसे फिर बात किया कि आपके ज्वेलरी तो पूरे अच्छे से रेडी हैं, सूख भी गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और सूख जाने चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं दीदी, आपने बता दिया यही काफ़ी है। और वो अपने ना किसी फ्रेंड के सजेशन पे आए थे मेरे से ज्वेलरी कस्टमाइजेशन कराने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा, आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और 100% आप जब ये ज्वेलरी पहनोगे, और हाँ इसके और भी ज्वेलरी के ऑर्डर आ चुके हैं, तो मैंने थोड़ा मिक्सअप करके ही पहना होगा, क्योंकि मैं और भी तैयार कर रही हूँ, कुछ माथा पट्टी उनके भी रेडी कर दिए हैं, तो इस तरह से ना मेरा 2 सेट का हो चुका है, बाकी किसी को हल्दी मेहंदी जैसा भी बनवाना हो ये बन जाएगा। और मैं थोड़ी हेल्दी ज़्यादा हो गई हूँ, ऑब्वियसली मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, तो बट मैं ये कहना चाहूँगी जो नई नई होने वाली होंगी जिनकी शादी, उन पर बहुत ज्यादा जचने वाला है ये। देख रहे हो आप लोग नेट का लुक कितना अच्छा आ रहा है ना, फ्लावर के पीछे नेट और उसके नीचे कॉर्डिशल, कॉर्डिशल के फ्लावर्स बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, और उस पर फिर सारे के सारे लॉरियल्स की माला अटैच करी है। अब मेरी जो लॉरियल्स की माला थी ना, मैंने बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी वाले यूज़ किए हैं, ताकि पहनने पे अलग ही शाइन करे। और मैंने ये नहीं देखा है कि सिर्फ एक दिन पहनना है, तो कोई मतलब नॉर्मल वे में जो आते हैं ना पैकेट्स में वो सारी चीज़ें, बिल्कुल वो एक दिन के हिसाब से ही रहती है, टूट जाती है, फूट जाती है, बट मैंने कस्टमाइजेशन करी है बिल्कुल जो मैं बाकियों की ज्वेलरीज बनाती हूँ ना उस हिसाब से, कि ये टूटने फूटने वाले तो बिल्कुल नहीं है। वो इस हल्दी में पहनेंगे ना तो मतलब कि हर घर में जितनी शादियां होगी ना अपने घर में, तो हर हल्दी फंक्शन में ना वो इसे इसमें से ब्रेसलेट पहन लेंगे, या फिर इयररिंग्स पहन लेंगे कुछ भी ऐसे, या मांग टीका माथे वाला, या फिर सिंपली नेकलेस ऐसे करके पहन सकते हैं। क्योंकि जब घर में किसी की हल्दी होती है ना, तो हर कोई चाहता है कि पीला पीला पहने, कई बार थीम भी रहता है। आप ये एक बार ले लो, बार बार पहनोगे, मस्त है। और फिर उसके बाद एक मैंने वो मैट फिनिशिंग वाली नेकलेस बनाई, फिर मैं बैठ के बनाने लगी इयररिंग। अच्छा, इस इयररिंग से पहले भी मैं कुछ बना रही थी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। दिला देते हैं, इतना ही बंद कर देते हैं। अच्छा, जूता चाहिए तुमको, बड़ी नखरे आई है, जूता चाहिए मैडम को, चप्पल ढूंढ रही है सुबह से घर में, जूता नहीं चप्पल, चप्पल चप्पल नहीं पहनोगी, चप्पल ठीक है, जूता नहीं चप्पल। अच्छा ठीक है, जूता दिला देते, चलो तुम्हारे लिए दिला देते, चलो यही रहने दे, इतना ही काम रहने दे, जूता है इसका, मेरी भी हालत देखो आप, चले दिला दे, जूता है ना, जूता नहीं है, चप्पल दिला दो। अब अनमोल के स्कूल से आने का भी टाइम हो चुका था, तो अनमोल हमारा आ गया। अब अनमोल स्कूल जाता है ना, तो मैं उस 3-4 घंटे में कोशिश करती हूँ ना कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लिए रहूँ, ताकि वो आए तो, क्योंकि वो आते ही सबसे पहले रूम में घुसेगा, सारे सामान चेक करेगा, तो उसके आने से पहले मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ये सारे डब्बों में पैक तो नहीं कर रही थी, बट मैं ऐसे खुला रख के इसको ऊपर रखने जा रही हूँ, मतलब ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, ताकि इसको थोड़ा अच्छे से हवा लगते रहे इसी तरह से, क्योंकि सूख चुके हैं, लेकिन थोड़ा और होता है ना कि और प्रॉपरली सूख जाए, तो इसके लिए ऐसे करके मैं इसको ऊपर रख दे रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे ये वाली नेकलेस बना रही थी, ये अनमोल के आने से पहले स्टार्ट की थी, और जो एविलाई वाली इयररिंग बना रही हूँ ना, ये बाद में की थी, लेकिन क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे लग गया है, क्योंकि ऑर्डर सिस्टमेटिक वे में चल रहे थे, जैसे जैसे दिन में ऑर्डर्स आए थे ना, बिल्कुल मैं उसी तरह से बनाती हूँ, जैसे पहला ऑर्डर जो आया वो पहले, दूसरा बाद में, फिर तीसरा उसके बाद में, ऐसे करके बना रही थी। अब क्या हुआ कि रोटी बनाना था और फिर सब्जी दिन का करेला का पड़ा था, तो मैं हस्बैंड से पूछ रही थी खा लोगे ना करेले का सब्जी, तो वो बोले कि अरे मस्त दाल है, गर्म करूँगा और मस्त हो जाएगा, तो चलो अच्छा है। फिर मैं जल्दी से नहा धो के रेडी होकर के आ गई हूँ, रेडी होकर के वीडियो बनानी है, थक चुकी हूँ, आज मेरे पैर घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कोई एज नहीं है घुटनों के दर्द वाली, लेकिन आप बैठ के जो ज्वेलरीज बनाती हूँ ना पालथी मार के, तो वो मोड़े मोड़े मुझे लगता है कि मेरा पेन हो रहा है। कोई आइडिया हो किसी के पास तो ज़रूर दीजिएगा ठीक करने के लिए। और मेरे पास एक ही आइडिया है कि मैं कुर्सी टेबल लगा के काम करूँ, मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि ये क्या पीछे इतना कपड़ा फैला रखा है, और बैठ गई हो जाके अंगूठी के ऊपर, ऐसा कुछ था, पीछे अंगूठी एक बार रख दी थी तो फिर मैंने हटाया। और हाँ, कपड़े भी फोल्ड करने हैं रूम के सारे, तो सब कुछ अस्त व्यस्त है। और कल हमें जाना है, हेयर बैंड्स बांटना है, मतलब कि वीडियो के हिसाब से कल है, लेकिन जब मैं आवाज़ डाल रही हूँ ना उसके हिसाब से आज जाना है।
हम लोग क्या क्या कर रहे हैं नवरात्रि वाले दिन, वो सब आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि मैं कुछ चीज़ें ज़रूरतमंदों को बांटने भी जाने वाली हूँ, वो सब आपको देखने को मिलने वाला है। कल मैंने क्या क्या किया, मैं अपनी ज्वेलरी जो बनाती हूँ ना, ज्वेलरी के काम में से भी ना मैं सोची हूँ कि महिलाओं को भी कुछ ऐसी चीज़ें दूँ जो वो पहन सके, जो ज़रूरतमंद होती है। और एक बार हम लोग ना निकलते हैं ना जहाँ से ज्वेलरी के सामान लेने जाते हैं, वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी रहती है। रहती क्या है, मतलब वो ऐसे मांग के खाना एंड ऑल इस टाइप से। तो हमने सोचा है कि उनको भी ना एक हेयर बैंड ज़रूर देंगे ले जा कर के अपने हाथों से बनी हुई, मतलब ऐसा कि वो पहन के खुश हो जाए, उसके अलावा खाने पीने की भी चीज़ें। तो चलेंगे और पहले ये सारी वीडियोज़ बना रहे हैं, ये सब एक दिन पहले की वीडियो है। आज नवरात्रि के दिन क्या क्या हो रहा है सब कल आपको देखने को मिलेगा। अब ये वाले मंगलसूत्र को आप मंगलसूत्र तो करके पहन ही सकते हो, इसको पेंडेंट भी बना सकते हो। और इसकी जो चेन में जो मतलब डोरियाँ मैंने बनाई है ना, इसमें सारी मैट फिनिशिंग की मोतियाँ लगी है जिसका कलर ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मोती रहती है। एक पास से देखोगे ना या इसमें एक अलग ही शाइन होता है, दूर से आपको थोड़ा नॉर्मल दिखेगा लेकिन जैसे ही कोई पास है ना उसमें एक अलग ही चमक दिखेगी। पेंडेंट को उल्टा पलटी कैसे भी करके पहन सकते हो और चेन में कितने भी पेंडेंट सेट कर सकते हो। आप सारे पेंडेंट मेरे से भी ले सकते हो, और सारे पेंडेंट मेरे ऐसे हैं पीनाकारी प्रिंटेड कुंदन के, जिसको कि आप उल्टा करके दूसरी साइड से भी पहन सकते हो और सीधा भी पहन सकते हो। अगर आपको अलग से अंगूठी लेनी हो तो वो भी है मेरे पास में, झुमका लेना हो तो वो भी है, मतलब जो जो ज्वेलरी चाहिए ना आप लोग सब ले सकते हो। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कौन देता है इतना ऑप्शन, एक नेकलेस में इतने सारे पेंडेंट का ऑप्शन कौन देता है, बताना जरा आप लोग। मेरे पसीने आ रहे हैं क्योंकि मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, कूलर में चला नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी ज्वेलरी जब बन रही हो, वीडियोस बन रहे हो, सब चीज़ें उड़ने लग जाती हैं, कूलर इतना तेज़ आवाज़ करता है ना, हवा तेज़ देता है ना, तो मैं इस वजह से कूलर ऑफ करके रहती हूँ सारे काम करते वक्त। और जब सारे काम निपट जाते हैं ना तब थोड़ा सा दो घंटे के, अब तो रात में सोना भी नहीं हो पाता, तो 4-5 बज जाते हैं सोने के वक्त, तब तक कूलर चलाती नहीं हूँ, और फिर 4-5 बजे चलाती हूँ, मुश्किल से 2-3 घंटे सो पाती हूँ तो उस वक्त चलाती हूँ सर। और यहाँ पे मैं फिर एडजस्ट करके दिखा रही थी कि आप मीनाकारी प्रिंटेड कुंदन को भी लगा सकते हो, किस तरह से पेंडेंट चेन मतलब कि मंगलसूत्र को आप पेंडेंट वर्जन में भी पहन सकते हो, किस तरह से हटाना है सारी चीज़ें बता दी हूँ। साइड से हुप्स दिए हुए हैं मैंने, वो दबा के खुल जाते हैं, बहुत आसानी से खुल जाते हैं। आप लेने के बाद अगर मुझसे पूछना भी चाहोगे तो मैं छोटी मोटी वीडियोज़ बना के भेज भी दूँगी कि कैसे खोलना है कैसे करना है, वैसे आप समझ जाओगे देखने के बाद में, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है इस टाइप से चेन का बनाना। कस्टमाइजेशन में यही तो ऑप्शन है कि आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी जैसे आप चाहो वैसे। अब मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ यहाँ से, मैं ये सारे शूट्स ले रही थी, लिवा रही थी हस्बैंड के साथ मिल करके। यहाँ से आगे भी बहुत सारे काम हुए हैं लेकिन इतना व्लॉग में नहीं सेट हो पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा नवरात्रि के लिए बिज़ी हूँ, मेरी क्लासेस हैं, तो मैं अभी से आगे का जो व्लॉग रहेगा ना वो सब कल आपको दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी बहुत झलक आपको ज़रूर दिखलाऊंगी कि रात में क्या किया हमने, अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं सोची कि ये सारे पेंडेंट रख देती हूँ कि इतना ऑप्शन है हमारे पास में, इसके अलावा भी और भी आप पेंडेंट ले सकते हो अलग अलग से, इसे उल्टा करके भी पहन सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने सोची कि एक बार दिखा देती हूँ, और तुरंत इसके बाद खा पी के और बच्चों को खिला के पिला के तेल लगा के लगना था मुझे ये बनाने में, क्योंकि एवलाई वाली ईयरिंग अब जाके मैं कंप्लीट करूँगी। और यहाँ से अब जो शुरुआत हुई ना हमारी, मैं बस बनाती जा रही थी, अब बीच में थोड़ा सा ना मेरा सारा सामान बिस्तर पे रखा हुआ था, तो कनिका आई खाने के लिए, तो ना थोड़ा सा मैंने ना बिस्तर पे सामान मुझे नहीं रखना चाहिए था, मैं थोड़ा हटा देती, थोड़ा सा से मतलब होता है ना तो थोड़ा बहुत गिरा पड़ा देती है सामान मेरा, वही गिरा पड़ा दिया फिर से, बट कोई बात नहीं मैं फिर उसको सेट कर लूँगी। और ये देखो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है ना, नीचे के लेयर्स कितने ज़्यादा ऐसे हिल रहे हैं, तो कितना बढ़िया से शेक हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। बनाते बनाते 12:30 हुआ, 12:30 से 1:30 बजा, 1:30 से 2 बजा, 2 से 2:30 बजा, और मुझे नींद आ रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं करके आ रही, बस जल्दी 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 करते जा रही थी कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कल फिर नए कस्टमाइजेशंस रहेंगे, क्लासेस रहेंगी, नवरात्रि के लिए जाना भी है बांटने, तो कल बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। तो मैं चाह रही थी कि मैं कैसे भी करके आज के सारे ऑर्डर्स निपटा लूँ, कम्प्लीट करके भेज दूँ कल, और हाँ भेज दूँ कल, तो कल भेजने के लिए भी तो जाना है, तो टाइम कम है, समय कम है और काम ज़्यादा है। और ये देखो आप लोग, बीच बीच में मैं बस थोड़ी सी क्लिप्स भी ले रही थी, 3 बजा, 3 से 4 बजा, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में यहाँ से।